क्या लगता है आपको, इस मौत का असर सिर्फ आपके घर पे ही पड़ा है या पूरे प्रदेश पे पड़ा है? नहीं, ये किसानों का मुद्दा है, कोई निजी आदमी का, कोई किसानों का निजी नहीं है। इसलिए अगर किसानों के अगर उपज का दाम के लिए अगर किसान आंदोलन में गए थे, अगर वहाँ अगर बबलू हमारा परिवार का जो मारा गया है, तो ये तो पूरा देश ही जाएगा। देखिए, हमने जो है हमारी जायज़ मांगों को लेकर स्वामीनाथन आयोग को लेकर के हम जो 1 जून से 10 जून तक 2017 को हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। हम हमारी मांगों को लेकर के बंद का आह्वान किया था, फल सब्जी और दूध, इन तीन चीज़ों को जो है शहर में लेकर के नहीं जाने का आह्वान हमने किया था। और हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम बैठ कर के जो है आंदोलन कर रहे थे। और जिस स्थान पे हम हैं, उस स्थान पर जो है यहाँ पर हज़ारों लोगों की संख्या थी और किसान जो है रोड के दोनों साइड से बैठ कर के अपना जय जवान जय किसान का नारा देते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और सरकार तक इस आवाज़ को पहुँचाने चाहते थे कि हमको हमारी फसलों का लागत मूल्य मिले, दूध फल सब्जी और अनाज जो हमारी सोयाबीन लहसुन है उसका लागत मूल्य मिले। फिर यहाँ आकर एक गाड़ी आती है मंदसौर की तरफ से और वहाँ जस्ट उधर से नीचे उतरे जवान और हम तो यहाँ खड़े थे और वहाँ से जैसे ही गोली मारी वो लड़कों को लगी। तो ऐसा कोई माहौल नहीं था कि गोली चले? ऐसा कोई माहौल नहीं था, शांति से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक में उन जवानों से हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसा था कि रोड भी जाम किया गया था? रोड तो जाम करने की बात को लेकर सहमत हुई थी, उसके बाद हम रोड पर आए थे। अच्छा। रोड पर जैसे आए और एक गाड़ी, जैसे गाड़ी रुकी और वहाँ से गोलियाँ अंधाधुंध चली, तो हमें समझा कि जम्मू कश्मीर में जो प्लेट गन का उपयोग करते हैं, मैं दौड़ के गया पास में तो कभी वो उपयोग हुआ होगा, बाद में उठाया उसको, जैसे वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हुआ, काफ़ी ब्लड हो गया, हाथ में हो गया। फिर हमने सोचा कि यार देखो ये तो ब्लड का मामला तो नहीं हो सकता, ब्लड बैन का मामला नहीं हो सकता है, कहीं कहीं ओरिजिनल गोली लगी होगी, पैर में लगी है गोली। हाँ, अच्छा अच्छा, जांग में लगी। अच्छा, तो ये है वो जगह, तो गोली यानी आगे से लगी और आगे से लगी, यहाँ से निकल गई। 6 जून को जो गोली कांड हुआ उसमें आपको गोली लगी कहाँ पे लगी, जरा फिर से दिखाइएगा। यहाँ से लगी यहाँ से निकल गई। अच्छा। हाँ, रान लगा रखी है, पैर मुड़ नहीं सकता मेरा, चल नहीं सकता हूँ, ज्यादा काम नहीं कर सकता हूँ मैं। इस घर में अकेली रहती हूँ, अभी हमारे कौन लेट शादी को बटक तो पतो न लगो, पहले आप कार्रवाई कर रहे हो, पतो लगाओ, पैसे को क्या करती हूँ, मेरे बच्चा सही हो, आज छोटा मोटा काम बन जाए, इशारा का मोड़ा करना पड़े, तुम्हारे पही है काम में निकल कतरे, मैंने कभी परेशानी आ गए। बहुत कोशिश करी हमने, 4 महीने 5 महीने तक इंतजार किया, फिर उसके बाद धरना दिया, उसके बाद भी हमको पैसे मिले। 1 करोड़ रुपए से क्या होता है, आदमी तो चला गया है, 1 करोड़ रुपए को महीना लगता है, बच्चे बच्ची का, अगर बच्चे अनाथ हो जाते, अब उसके बच्चे से पूछो कि तेरे बाप कैसा था, क्या करेंगे वो, क्या स्थिति उनके बाप की भी, उन्होंने नॉलेज भी नहीं है। पैसों को क्या कर, बताइए, बच्चों सही लोग पैसे के क्या करती हूँ। सरकार अब अनर्गल बयान देकर किसानों को गुमराह कर रही है, जो हम इस बार गुमराह नहीं होंगे। सब झूठ बोल रही है सर, जो जिसने गोली चालन किया वो 12:30 बजे पुलिस आई, इससे पहले पुलिस 10:30 बजे आ गई थी और जो है आप उन्होंने हमसे बात करना नहीं चाहिए और वो आंसू गैस और के जो गोले छोड़ रहे थे और हमारे किसान भाइयों की जो बाइक थी उसके बाइक की जो टंकियां थी पेट्रोल की उसको फोड़ रहे थे, उसको तोड़ रहे थे। थाने पर जो है 2 किसान अभिषेक पाटीदार और 2 किसानों की ओर थाने पर जो है उनको गोली लगा के मारा। एक ये भी बात थी कि पुलिस ने किसी को मारा भी है थाने। एक घनश्याम धाकड़ जो मंदसौर जिले का है, तो उसको पुलिस थाने में घर पर से उठा करके पुलिस ले गई और थाने में उसको पीट पीट करके लाठियों से मार दिया गया। पूरे मंदसौर जिले में दहशत का माहौल था और पुलिस 144 लगा दिया गया। जी जी जी, पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई थी और BSF और पुलिस वाले जवान पूरे गांव के क्षेत्रों में घूम रहे थे और हमारे महिलाओं को और पुरुष को जो भी दिखे गांव में, बालागुड़ा में भी कई लोगों की चोटें आई है जो घर से बाहर अपना काम कर रहे थे, उनके जाकर के बिना बताए लाठियाँ बरसाई और उनकी बहुत सारी गंभीर चोटें भी आई। उसके बाद हमको ढूंढा ऐसा गया जैसे हम कई आतंकवादी लोग थे, जिस प्रकार से 10-10 गाड़ियां भरकर गांव में रेड पड़ी गई। अच्छा। हमारे वहाँ छापे पड़े जैसे हम कहीं बड़े आतंकवादी हैं,
घरों में घुसकर लाठियां डंडे से मारा गया महिलाओं को, लोगों को। इस प्रकार से करके यहाँ के जो हमारे क्षेत्रीय किसान थे हमारे जैसे, तो 200 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई। मुझे पुलिस ढूंढती रही और मेरे मकान पे भी 3-4 बार जो है वहाँ पर जो है उन्होंने घेराबंदी की और मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जो है गाँव में ही था, मैं पकड़ में नहीं आया। और मुझे एक महीने बाद पकड़ करके पुलिस जो है थाने पर लाई और मुझे 23 धाराओं के अंतर्गत 6 थानों में अलग अलग FIR दर्ज करवाई कि इसने आग लगाई, इसने भड़काया। इस प्रकार से जो है मुझे जेल में बंद कर दिया गया एक महीने। यदि हमारे किसान वहाँ नहीं हटते और वीडियोग्राफी नहीं करते तो हमारे जैसे लोगों के ऊपर जो है FIR दर्ज कर ली जाती और 302 का मुकदमा हो जाता कि गोली आपस में चली है। लेकिन पुलिस की जो गोली थी, जो शासकीय गोली आती है, उसके नंबर वगैरह किसानों ने उन गोलियों को जो है कलेक्ट किया है और उस PM रिपोर्ट में उसको करवाया, तब जाके जो है हम किसानों को ये हुआ कि ये आपस में गोली नहीं चलाई है, पुलिस वालों ने चलाई। जो गोलीकांड हुआ उनमें पुलिस वालों का ये कहना था कि किसान जो है उनके पास लाठियां थी, उनके पास बंदूकें थी और वो पुलिस को मारना चाह रहे थे और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलाई, लेकिन ये सरासर असत्य है। बिल्कुल किसान इस बात को जो है नहीं मानता है और हमने जो है जैन आयोग की रिपोर्ट का विश्वास हम बिल्कुल नहीं करते हैं और ये रिपोर्ट जो है किसानों के खिलाफ है और उसमें हमारे साथ कोई न्याय नहीं। ये बात पूरी तरह से असत्य है। वो लोग वही थे जो किसी भी प्रकार से पैसे की नोटबंदी के बाद में वो आर्थिक रूप से परेशान थे, इसलिए वही लोग थे, किसान ही थे, मतलब वो कोई आपत्ति प्रवर्तक नहीं थे। ये तो एक दूसरे के ऊपर थोपने वाली बात है, सरकार अपनी पल्ला झाड़ रही है। जैन आयोग के अलावा ऐसा आयोग बनना चाहिए जिसको निष्पक्ष जांच करे। जिन किसानों के ऊपर FIR है, जिन किसानों के ऊपर केस चल रहे हैं और यथावत चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि हम केस वापस ले रहे हैं, किसानों के केस वापस लेंगे, लेकिन अभी तक किसी किसान का केस वापस नहीं हुआ है। फसलों के जो पहले दाम थे आंदोलन से पहले, उनको और कम कर दिया गया है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। मांगे थी वो सरकार ने सुनी नहीं, उसके जो ये जितने 6 लोग घायल हुए, 6 वहाँ स्पॉट पे गोली से मर गए, उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान पूर्ण रूप से सरकार से, अत्यारी सरकार से परेशान है। फसलों के सही दाम मिल नहीं रहे, किसान परेशान। अभी लहसुन को लेकर के, लहसुन तो 1 लीटर पेट्रोल लाओ और 1 क्विंटल लहसुन बेचो, सीधा सा मतलब। किसान नाराज है, किसान को भाव नहीं मिल रहा है। लहसुन के क्या 5,000, 7,000, 8,000 रुपये बिक रही, 800 रुपये बिक रही है। किसान का हालत बेहालत हो गया और लोग भावांतर के नाम से कहते हैं, भावांतर में क्या दिया, 500 रुपये, 600 रुपये कुंटल दे दिया, तो 600+300, 900 रुपये कुंटल ही हो रहा है भावांतर में। सबसे पहले तो कि हमको फसलों का C2 जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, हमको फल सब्जी दूध के रेट सही मिले और जो जिन जिन लोगों ने, पुलिस वालों ने गोलीकांड हमारे निर्दोष किसानों के ऊपर किया है, उनको जो है हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनको जेलों में भेजे। हमको स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे वो सब, ये तो मेरे को हमको फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे, हमको कोई कर्ज माफ़ी नहीं चाहिए। अच्छा, फसलों के दाम चाहिए बस। सबसे बड़ा हमको न तो कर्जा माफ़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, तो हमारे स्वामीनाथन योजना शुरू की जाए और हमारे माल के वाजिब भाव मिले। पार्टियां उलार ऐसा करेंगे, हम इस पार्टी को ऐसा हराएंगे कि कहीं कमल का फूल विधायक और सांसद जो है इस पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में और सांसद जो है कहीं फूल दिखने को नहीं मिलेगा। ये किसानों ने इस बार प्रण किया है कि हम उनको जो है हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेंगे।